अलकन शिंदे, आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिटेल्स लेंगे कि मोटरसाइकिल के लिए जो gogoeven.com ने हाइब्रिड कन्वर्जन किट एंड फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट बनाया है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग टेक्निकल डिटेल्स आज ले लेते हैं। सबसे पहले इस किट का क्यों जरूरत है मार्केट में, इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं। और जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनते जा रही है, और इस इंडस्ट्री में जो टर्नओवर हो रहा है तो उसमें जो नए मॉडल्स या नए व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं उसके साथ में आज अगर हम लोग देखेंगे तो अगले 20 साल में जितने व्हीकल्स नए बिके जाएंगे उससे भी ज्यादा व्हीकल्स ऑलरेडी रोड पे हैं, और उन व्हीकल्स को अगर इलेक्ट्रिकली हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं या फिर हाइब्रिड कन्वर्जन कर लेते हैं तो वो सबसे बड़ा बिजनेस आज के डेट में बन चुका है। तो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करने के लिए या फिर हाइब्रिड कन्वर्जन के लिए, इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करने से भी ज्यादा हाइब्रिड कन्वर्जन को लोग ज्यादा कैसे पसंद कर रहे हैं और वो आज की डेट में सबसे सक्सेसफुल कैसे है, तो इसके बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं। तो हाइब्रिड कन्वर्जन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको जो बैटरी कैपेसिटी आप डालते हैं तो उसका एक लिमिटेशन है, मतलब रेंज का एक लिमिटेशन आ जाता है कि कोई भी व्हीकल आप एक 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का चार्जिंग कैपेसिटी का बना सकते हैं। और आज की डेट में जो बैटरी कॉस्ट है, बैटरी का जो कैपेसिटी है, अगर हायर कैपेसिटी हमें डालना है तो बैटरी कॉस्ट हायर साइड जाता है, हायर टेक्नोलॉजी का बैटरी अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो कॉस्ट फिर व्हीकल का सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो उस चीज को सोल्यूशन निकालने के लिए gogoeven.com ने एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को हाइब्रिड कन्वर्जन करने के लिए कंप्लीटली किट बनाया हुआ है। और आज का जो हम लोग किट देख रहे हैं ये मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट, क्योंकि इसमें पहला तो जो चैलेंज है कि रेंज का लिमिटेशन, तो उस चैलेंज के ऊपर ओवरकम कर दिया कि आज के डेट में अगर कोई भी व्हीकल हम लोग यूज करते हैं तो उस व्हीकल को जब तक बैटरी चार्ज है आप बैटरी पे चलाइए, जैसे बैटरी खत्म हो गया है तो आप एग्जिस्टिंग फ्यूल पे या पेट्रोल पे या डीजल पे आप कन्वर्ट करके चेंज ऑन करके व्हीकल अपना का जर्नी कंटिन्यू रख सकते हैं। और इसके वजह से कि व्हीकल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोग आज डरते हैं कि क्यों यूज करना है, तो ये नियर बाय ट्रैवलिंग का व्हीकल ना रह के आप जितना चाहिए ट्रैवलिंग इस व्हीकल पे कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग टेक्निकली कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और उसका क्या क्या एडवांटेज है और किस तरीके से ये gogoeven.com ने किट डेवलप किया है और वो हम इस किट के थ्रू कैसे हमारे व्हीकल को कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग एक कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इस किट के साथ में कम से बिजनेस कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि gogoeven.com का जो स्पेशलिटी है वो हब मोटर मैन्युफैक्चरिंग का, और इस किट में भी हब मोटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्योंकि हब मोटर का एडवांटेज ये हो जाता है कि ये कम्प्लीटली मेंटेनेंस फ्री हो जाता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है तो वो टेक्नोलॉजी है जैसे हम लोग सीलिंग फैन का मोटर होता है, तो सीलिंग फैन अगर हमने अपने घर में देखा रहेगा तो पिछले 12 साल 15 साल से शायद कभी सर्विसिंग भी नहीं किया होगा, तो वही टेक्नोलॉजी वही कंस्ट्रक्शन मेथड इस हब मोटर में आता है और उसकी वजह से एक कम्प्लीटली मेंटेनेंस फ्री बन जाता है। तो इसका लाइफ बहुत अच्छा मिलता है, कम से कम 10 से 12 साल ये मोटर, एक ही मोटर को हम लोग विदाउट मेंटेनेंस यूज कर सकते हैं, उसके बाद में भी मेंटेनेंस करके हम लोग उसको आगे भी कंटिन्यू यूज में रख सकते हैं। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ है व्हीकल्स में, तो पहले जैसा आईसी इंजन यूज किया जाता था तो आईसी इंजन में जो बहुत सारे रनिंग पार्ट्स थे, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज को उसको में इस्तेमाल करना पड़ता था, तो उसकी वजह से उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत सारा आता था। लेकिन हब मोटर में ये व्हील के अंदर फिट होने के वजह से ये डायरेक्ट ड्राइव होगा, व्हील में ही डायरेक्टली आपको टॉर्क मिलता है, तो इसके वजह से बाकी मैकेनिज्म कुछ भी नहीं बचता है, व्हील के अंदर ही है। तो व्हील के अंदर एक बार आपका इंजन आ गया पावर ड्राइव आ गया तो उसके साथ में हमें डिजाइनिंग में भी फ्रीडम मिल जाता है, और यही इसी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि एग्जिस्टिंग व्हीकल को हम लोग कुछ भी डिस्टर्ब ना करते हुए सिर्फ व्हील को चेंज करके इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस मोटर के लिए 17 इंच रिम साइज में मोटर आता है। नॉर्मली आप देखेंगे तो सभी मोटरसाइकिल में 17 इंच का ही रिम आज के डेट में है, कुछ मोटरसाइकिल में 16 इंच है या कुछ मोटरसाइकिल में 18 इंच है, लेकिन 17 इंच मोर सुटेबल होता है। अगर इंडिया में भी हम लोग देखते हैं तो 80% मोटरसाइकिल में यही रिम साइज आता है, तो ये रिम साइज के थ्रू तो एग्जिस्टिंग व्हीकल को आप 17 इंच का एग्जिस्टिंग अगर रिम आपके व्हीकल में है, व्हील है, तो वही टायर इसी पे फिट हो जाएगा जो कॉमन साइज हमने रखा हुआ है। ये मोटर जो gogoeven.com ने स्पेशली डेवलप किया तो ये इनहाउस प्रोडक्शन हमारा होता है, तो इस मोटर में जब हाइब्रिड कन्वर्जन करना है तो हाइब्रिड कन्वर्जन के लिए इसमें डिस्क ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है, और डिस्क ब्रेक के तो इफेक्टिव ब्रेकिंग जो एग्जिस्टिंग आपका ड्रम ब्रेक रहेगा या डिस्क ब्रेक रहेगा, अगर ड्रम ब्रेक है तो उससे भी इफेक्टिव ब्रेकिंग डिस्क ब्रेक में हमें आ जाता है। सेकेंड थिंग, इसमें दूसरे साइड से चेन स्प्रॉकेट के लिए प्रोविजन करके दिया है, तो एग्जिस्टिंग जो चेन स्प्रॉकेट है वही चेन स्प्रॉकेट को आप इस मोटर पे माउंट कर सकते हैं, जस्ट आपको एक लेथ मशीन
के थ्रू या कोई मैकेनिक के थ्रू इसका पीसीडी मैच करके, होल्स को मैच करके एग्जिस्टिंग चेन स्प्रॉकेट क्यों लगाना है, क्योंकि अगर आप नया चेन स्प्रॉकेट इसमें डालते हैं तो चेन रियर चेन स्प्रॉकेट एंड फ्रंट चेन स्प्रॉकेट, तो आप अगर रियर चेन स्प्रॉकेट चेंज करते हैं तो आपको चेन एंड आगे का चेन स्प्रॉकेट भी चेंज करना होगा। तो इसीलिए इसके साथ में आप अगर एग्जिस्टिंग जो मोटरसाइकिल में लगा हुआ है वही चेन स्प्रॉकेट को अगर इसमें माउंट करते हैं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि कंप्लीटली आपका सेट वो स्मूथली सेट हो चुका है। तो चेन स्प्रॉकेट अगर हम लोग एग्जिस्टिंग ही लगाएंगे तो वो हमारे लिए बेटर है। सेकंड थिंग कि इस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो हेवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो एक मोटर 325 केजी के लिए सीएमवीआर ऑलरेडी अप्रूव टेस्टेड है, तो 325 केजी मतलब मोटरसाइकिल में आप इजीली यूज कर सकते हैं, थ्री व्हीलर में भी ये मोटर को यूज किया जा सकता है, L5 कैटेगरी में भी अगर 900 केजी तक का व्हीकल है तो उसमें भी यूज किया जा सकता है। तो इसका दूसरा एडवांटेज ये होता है कि ये मोटर हाई इफिशियंट है, 92% तक का इफिशियंसी आपको इसमें मिल जाता है, तो इस क्वालिटी में उस स्टैंडर्ड में हमने इसको बनाया हुआ है, तो हाई इफिशियंट होने की वजह से हमें कम बैटरी कैपेसिटी में भी मैक्सिमम रेंज इसमें मिल जाता है। सेकंड थिंग, ये सब मोटर का जो लुक है तो कम्प्लीटली अलॉय रिम, आपको कम्प्लीटली अलॉय व्हील ये मिल जाता है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक में ये मिल जाता है। तो आपका जो बाइक का एग्जिस्टिंग लुक है, अगर स्पोक व्हील अभी का लगा हुआ है या फिर अलॉय व्हील भी लगा हुआ है तो वो अलॉय व्हील का लुक आपका मेंटेन रहता है, या फिर स्पोक व्हील लगा हुआ है तो स्पोक व्हील का लुक आपका इम्प्रूव हो जाता है। ये मोटर जो आता है ये 72 वोल्ट एंड 60 वोल्ट पे भी हम लोग रन कर सकते हैं, लेकिन 72 वोल्ट पे हम लोग रेकमेंड करते हैं। इसका आरपीएम जो है 900 आरपीएम ये मोटर आता है, तो हमें मोटरसाइकिल में जो स्पीड मिलता है तो टॉप स्पीड हम लोग 70 तक का लेके जा सकते हैं। इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है तो 200 केजी तक का लोड कैरिंग कैपेसिटी, रेगुलर व्हीकल वेट प्लस 200 केजी, मतलब 325 केजी का लोड टेस्टिंग इस पे हुआ ऑलरेडी हो चुका है, तो उस कैपेसिटी का टू व्हीलर में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, मतलब अगर 150 सीसी या 180 सीसी तक के मोटरसाइकिल में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन जो मिलता है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब नॉर्मल जो पेट्रोल इंजन है उससे भी बेटर एक्सेलरेशन हमें इस मोटर के थ्रू मिल जाता है, तो मतलब इंस्टेंट पिकअप मिलता है, स्पीड 70 तक का मिल जाता है, और हायर इफिशियंट ये मोटर होने की वजह से हमें जो इसका रेंज मिलता है वो रेंज भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। सेम मोटर जो है तो BLDC हब मोटर्स का एडवांटेज ये होता है कि ये एज ए मोटर भी एक्ट कर सकता है, और इस मोटर को अगर हम लोग रोटेट करते हैं दूसरे कोई एनर्जी से तो ये मोटर एज ए जनरेटर एक्ट करता है, तो सेम मोटर आपके व्हीकल में जब लगेगा तो यही मोटर आपका एज ए मोटर यूज होगा, एज ए जनरेटर भी यूज होगा, तो उसका एडवांटेज हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो स्पेशल कंट्रोलर हमने बनाया हुआ है तो उस कंट्रोलर के थ्रू यही मोटर जब हम लोग पेट्रोल पे व्हीकल चलाते हैं, इंजन के थ्रू व्हीकल को चलाते हैं, या फिर कहीं पे डाउन हिल में हम लोग जाते हैं या फिर ब्रेकिंग करते हैं, तो उस समय यही मोटर एज ए जनरेटर एक्ट करके वो अगेन बैटरी को कैसे चार्ज करता है इसके बारे में भी डिटेल्स हम लोग देख लेंगे। इस मोटर का जो एक्सल वीड्थ आता है या फिर फोर्क वीड्थ अगर हम लोग देखेंगे तो वो 185 mm का आता है, तो नॉर्मली स्प्लेंडर में जो आता है 185 mm का फोर्क वीड्थ आता है, तो स्प्लेंडर का सबसे छोटा होता है तो स्प्लेंडर में भी ये फिट हो सकता है, बाकी सभी मॉडल्स में उससे फोर्क वीड्थ जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो कोई भी मोटरसाइकिल के मॉडल में हम इसे इजिली फिट कर सकते हैं। इस मोटर का जो पावर दिया हुआ है तो ये पावर 2000 वॉट रेटेड पावर है, 2000 वॉट रेटेड यानी पीक पावर जो जाता है इसका 4000 वॉट तक का पीक पावर जाता है, तो 4000 वॉट का अगर आपका इनिशियल एक्सेलरेशन मिल जाता है तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेलरेशन मिल जाता है, एंड 2000 वॉट में रेटेड पावर होने की वजह से कोई भी टेरेन में इजीली ये दो सीट लेके बहुत अच्छा क्लाइंबिंग भी ले सकती है, 25 डिग्री तक का क्लाइंबिंग कैपेसिटी भी इस मोटर का दिया हुआ है, तो अच्छा क्लाइंबिंग भी मिल जाता है। इंडिया में जो मेन चैलेंज आता है कि व्हीकल में जो बहुत सारे चाइनीज व्हीकल्स आज तक इंडिया में आए हैं या फिर बहुत सारी कंपनियां ने लॉन्च किए, तो हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए या फिर वो व्हीकल सर्विस क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ का जो यूजर का मेंटेलिटी ओवरलोडिंग हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस है तो वो बहुत अच्छे बहुत ज्यादा इससे होने की वजह से तो यहाँ पे उस कैपेसिटी में वो मैच नहीं हो पाता है। तो इस मोटर को डिजाइन करते समय हमने वो पॉइंट ध्यान में रखा हुआ है कि किस किस तरीके से मोटरसाइकिल को यूज किया जाता है इंडिया में, और उसी कंडीशन में भी ये मोटर फेल नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन एंड पावर कैपेसिटी जो दिया हुआ है उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो कोई भी एरिया में कोई भी टेरेन में ये व्हीकल आपको इलेक्ट्रिकली परफेक्ट सर्विस दे सकता है।
दूसरा मेन पार्ट जो इस किट में आता है, हाइब्रिड कन्वर्जन किट में आता है, वो आता है कंट्रोलर, मोटर कंट्रोलर। और अगर मोटर कंट्रोलर के बारे में मैं बताऊं तो gogoeven.com ने जो कंट्रोलर डेवलप किया है तो वो सबसे एडवांस कंट्रोलर आपको यहाँ पे किट में दिया जाता है कि जो आप सामने यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये IP67 में आता है, तो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ कंट्रोलर है। ये वेक्टर कंट्रोलर आता है, तो जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी आपको चाहिए मोटर के हिसाब से वो वर्क करता है। देन ये साइन वेव कंट्रोलर है, नॉर्मल कंट्रोलर, जैसे नॉर्मली BLDC मोटर के साथ में स्क्वायर वेव कंट्रोलर यूज किया जाता है, लेकिन ये जो कंट्रोलर हमने डेवलप किया है ये साइन वेव कंट्रोलर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। प्लस ये जो कंट्रोलर है ये रीजनरेटिव कंट्रोलर है। जैसे मैंने मोटर का एक्सप्लेनेशन देते समय बताया कि जो मोटर एज ए जनरेटर एक्ट करता है, व्हीकल को आप पेट्रोल पे चलाते हैं तभी वो बैटरी को अगेन चार्ज कर लेता है, तो ये कंट्रोलर में वो फंक्शनिंग पूरा दिया हुआ है। तो आपका अगर मोटर का इनपुट वोल्टेज अगर आउटपुट वोल्टेज अगर कम है तो भी ये कंट्रोलर बूस्ट करके बैटरी चार्जिंग वोल्टेज तक उसको बूस्ट करके बैटरी को सेफली चार्ज कर लेता है। तो ये सब एडवांस कंट्रोलर की वजह से, इस कंट्रोलर में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली मोटर के जो कनेक्शन दिया है तो डायरेक्टली आप वायर्स माउंट कर सकते हैं, बैटरी कनेक्शन, तो इसमें वायरिंग लूम का भी जरूरत नहीं, मोटर का कनेक्शन डायरेक्टली इस पे हो जाता है। सेकंड, इसमें फीचर जो दिए हुए हैं, तो इस कंट्रोलर में आपको 3-speed mode आता है। 3-speed mode यानी रेगुलर मोड पे आप जैसे हम लोग नॉर्मली व्हीकल में गियर्स यूज कर सकते हैं, या फिर जो हमें परफॉर्मेंस चाहिए जैसे इको मोड या स्पोर्ट मोड पे हमें चलाना है तो उस तरीके की गियरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आता है और वो इस कंट्रोलर में इनबिल्ट किया है। तो जिसमें आपको लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड और एडिशनल एक स्पोर्ट मोड इसमें हमने दिया है कि जैसे कहीं पे आप व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं या फिर एकदम से एक्सेलरेशन आपको चाहिए तो स्पोर्ट मोड में भी आप इसे लेके जा सकते हैं, तो एकदम पावर आपका व्हीकल का डबल हो जाता है और ये स्पीड भी उसका बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये मोड दिया है। प्लस जब आप ये हाइब्रिड कन्वर्जन किट यूज करके आपके व्हीकल को हाइब्रिड करते हैं तो इसमें एडिशनल इस कंट्रोलर में फैसिलिटी दिया है रिवर्सिंग का, तो आपका मोटरसाइकिल अभी रिवर्स गियर में भी चल सकता है। तो रिवर्सिंग ये जनरली कहाँ पे होता है कि पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क की हुई है और पीछे खींचने में हमें अगर स्पेस नहीं है ज्यादा तो पीछे खींचने में बहुत तकलीफ होता है, तो वहां पे रिवर्सिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। तो रिवर्सिंग फंक्शन में इसमें इनेबल हो जाता है, मतलब 4-speed mode इसमें आ गया, रिवर्सिंग फंक्शन आ गया, प्लस एडिशनल इसमें आपको ये प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है, तो इसको एक कनेक्शन दिया हुआ है कि जिसके थ्रू हम लोग लैपटॉप को कनेक्ट करके इसके सेटिंग्स, हमारे कस्टमाइज सेटिंग्स भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है, दो टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, लो लेवल ब्रेकिंग भी है एंड हाई लेवल ब्रेकिंग भी है। हाई लेवल ब्रेकिंग जब हम लोग रिजेनरेटिव के लिए यूज करते हैं तो ब्रेक स्विच के थ्रू जब सिग्नलिंग उसको मिल जाता है तो तब वो ब्रेकिंग करते समय भी ये रीजनरेशन करके बैटरी को चार्ज कर लेता है। मतलब ये कंट्रोलर यूज करने के बाद में जब हम लोग ब्रेकिंग करते हैं और ब्रेकिंग में आज की डेट में जो व्हीकल में हम लोग एनर्जी को पूरा वेस्ट करते हैं तो उस एनर्जी को रिकवरी करके हम लोग अगेन बैटरी चार्ज कर लेते हैं। डाउन हिल जहाँ पे जाते हैं हम लोग, तो डाउन हिल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स से व्हीकल रन होता है तो उस रन में भी हम लोग मोटर के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होता है उस एनर्जी को भी बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, तो इस कंट्रोलर में वो फंक्शनिंग भी होता है। एंड तीसरा जो मेन एडवांटेज मिला कि जब हम लोग पेट्रोल पे रन करते हैं मोटरसाइकिल को तो उस समय हमें ये रीजनरेशन मिलके बैटरी में सेव हो जाता है। मतलब इसका अगर इक्वेशन हमने प्रैक्टिकली जो किया हुआ है तो नॉर्मली अगर जो बैटरी पैक हम लोग इसके साथ में देते हैं तो उसमें 50-60 किलोमीटर का रेंज हमें व्हीकल का मिल जाता है, और 50-60 किलोमीटर के रेंज में अगर हम लोग प्रॉपरली 45-50 के सेटिंग में रखते हैं इसको रीजनरेशन को, तो आप अगर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मोटरसाइकिल को पेट्रोल पे रन करते हैं और आप अगर 60 किलोमीटर रन करते हैं तो 60 किलोमीटर में बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाता है। मतलब अगर आपने व्हीकल को फुल्ली बैटरी चार्ज करके स्टार्ट किया तो 50-60 किलोमीटर आप बैटरी पे जा रहे हैं, अगेन आपने अगर उसको पेट्रोल पे चलाया 60 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाया तो बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाता है, मतलब अगेन आपका 60 किलोमीटर बैटरी पे रन कर सकता है। मतलब आप एक ही चार्ज में घर से अगर चार्ज करके निकलते हैं तो 60 किलोमीटर पे बैटरी पे, अगेन 60 किलोमीटर पेट्रोल पे आपने चलाया तो व्हीकल का अगेन 60 किलोमीटर बैटरी पे रन हो सकता है, इतना रीजनरेशन हमें इसके थ्रू मिल जाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन इस कंट्रोलर में दिया हुआ है, तो एंटी थ्रिप्ट सिस्टम भी इस कंट्रोलर में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो एंटी थ्रिप्ट का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो जैसे कार में हम लोग देखते हैं कि रिमोट से हम लोग गाड़ी को लॉक करना है, अनलॉक करना है, या फिर कोई अगर गाड़ी को हाथ लगाता है या फिर चोरी करने की कोशिश करता है तो अलार्मिंग करेगा, तो उस तरीके से हम लोग रिमोट से भी इसको लॉकिंग कर सकते हैं। जो एंटी थ्रिप्ट आपको इस किट में आ जाता है तो वो ब्लूटूथ वाला एंटी थ्रिप्ट हम लोग दे देते हैं, तो ब्लूटूथ थ्रू आप इसका मोबाइल ऐप में भी
एक्सेस ले सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल स्टैंड लगा के अगर एक मोबाइल भी वहां पे रख देते हैं तो उसमें आपको गाड़ी का व्हीकल का स्पीड कितना आ रहा है, बाकी का बैटरी का स्टेटस क्या है, तो ये पूरा फंक्शनिंग आपको उसमें समझ में आएगा। जो इसमें रिमोट भी दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छे डिजाइन में अच्छे क्वालिटी का रिमोट इसमें मिल जाता है। तो मतलब एंटी थेफ्ट भी हमारे व्हीकल में ऐड हो जाता है कि जो एक एडिशनल फीचर टू व्हीलर में नॉर्मली मोटरसाइकिल में इंडिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन हम लोग उसको इस किट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट इस किट में आता है वो आता है थ्रोटल। और थ्रोटल जो मेन पार्ट्स है किट के वो मोटर कंट्रोलर एंड थ्रोटल। थ्रोटल में अगर हम लोग देखेंगे तो नॉर्मली अब जब हाइब्रिड कन्वर्जन हम लोग करते हैं तो हाइब्रिड कन्वर्जन में जो अभी का एक्सेलरेटर है वो हमें एज इट इज वैसे ही रखना पड़ता है। तो हम लोग दूसरा एक्सेलरेटर कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए जो कंपनी ने किट में आपको थ्रोटल दिया हुआ है वो थंब थ्रोटल दिया हुआ है, बहुत ही स्लिम। आप एग्जिस्टिंग एक्सेलरेटर के बाजू में ही इसको फिट कर सकते हैं और वही एक्सेलरेशन से ये थंब से ऑपरेट होता है। मतलब नॉर्मली हम लोग रिस्ट ऑपरेटेड एक्सेलरेशन हमारे पास है और अभी ये थंब ऑपरेटेड एक्सेलरेशन हमारे पास है, तो इसको हम लोग थंब से भी सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। या फिर हम लोग अगर वो एग्जिस्टिंग जो एक्सेलरेटर है उसके ऊपर एक नॉब लगा के भी वो एक्सेलरेटर को घुमाएंगे तो भी ये ऑपरेट हो सकता है। मतलब इजीली ऑपरेशन इसमें सेम एक्सेलरेशन से हम लोग कर सकते हैं या फिर थंब से भी कर सकते हैं। इसके साथ में जो वायर दिया जाता है तो वो 1.5 मीटर का वायर है, तो आप जब हैंडल पे इसको फिट करते हैं तो कंट्रोलर प्लेसमेंट आपका जहां पे रहेगा तो वहां तक ये कम्प्लीटली वायर पहुंच जाता है, तो डायरेक्टली आप इसको कंट्रोलर में कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छे क्वालिटी का थंब थ्रोटल इसमें मिल जाता है। तो मतलब मोटर कंट्रोलर एक जो स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया है कि जो एक क्वालिटी, क्योंकि मेन हमारा जो आप लोगों में भी देखेंगे तो क्वालिटी एश्योरेंस ये मेन हमारा टैगलाइन है और उसी को हम लोग कंटिन्यूअसली फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी क्वालिटी में अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस भी नजर आते हैं तो डेफिनेटली हमें बताइए, वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट मोटरसाइकिल हाइब्रिड कन्वर्जन किट में gogoa1.com की तरफ से आपको मिलता है वो है डीसी-डीसी कन्वर्टर। डीसी-डीसी कन्वर्टर क्यों आपको किट में जरूरी है, तो नॉर्मली जब हम लोग पेट्रोल से बाइक को चलाते हैं तो उस समय जो हमारा बैटरी है बाइक में वो पेट्रोल के इंजन के थ्रू हमारा चार्ज होता है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकली हाइब्रिड कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप इंजन को ऑन ना करें, और इंजन को ऑन नहीं करेंगे तो फिर एग्जिस्टिंग लाइटिंग जो है सिस्टम चलाना है हमें या फिर बैटरी चार्ज करना है तो उसके लिए हमें पावर कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए कंपनी ने 72 वोल्ट से आपको 12 वोल्ट कन्वर्ट करके 12 वोल्ट का आउटपुट कनेक्शन इसमें मिल जाता है। तो 12 वोल्ट आउटपुट से हम लोग एग्जिस्टिंग जो व्हीकल में बैटरी, आपके मोटरसाइकिल में बैटरी है तो उस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर बैटरी नहीं भी है तो भी इसके थ्रू हम लोग लाइट्स को स्विच ऑन कर सकते हैं। तो जो लाइटिंग सिस्टम है आपका हेडलाइट्स हुआ इंडिकेटर हुआ तो सेम सिस्टम हम लोग रख सकते हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही वहाँ पे ऑपरेट किया जा सकता है। ये 10 एम्पियर कैपेसिटी में आता है तो 10 एम्पियर तक का लोड आप इसको दे सकते हैं। मतलब 72 वोल्ट 10 एम्पियर यानी 72 वोल्ट इंटू 10 एम्पियर अगर हम लोग कर सकते हैं तो अराउंड 500 वॉट तक का या 700 वॉट तक का लोड हम इसके ऊपर दे सकते हैं, तो ये इजिली वर्क करता है। मतलब पूरा जो एंटायर सिस्टम है गाड़ी में लगा हुआ तो वो सब सिस्टम को हम लोग इस सेम बैटरी थ्रू रन कर सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के लिए हाइब्रिड कन्वर्जन किट में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक सिस्टम आता है और वो सिस्टम भी यहाँ पे किट में इंक्लूड किया गया है। तो उसमें जो प्लेट आता है तो हाइड्रोलिक डिस्क माउंटिंग ये जो प्लेट है तो प्लेट यहाँ पे ऑलरेडी मोटर पे फिक्स हो जाता है 180 mm डायमीटर में ये प्लेट आता है। और दूसरा जो कंप्लीट सिस्टम में आपको ये जो कैचर आता है तो ये एक्सल माउंटेड होने की वजह से आपको अलग से कुछ फोर्क में अल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मोटर एक्सल पे ही फिट हो जाता है, तो उसका माउंटिंग प्लेट भी इसी के साथ में आ जाता है। तो ये कम्प्लीटली ब्रेक सिस्टम प्लस इसका जो लेंथ आता है पाइप लेंथ आता है वो भी 2 मीटर का आता है, तो आपका व्हीकल में रियर व्हील में ये जब फिट होता है तो हैंडल माउंटेड भी आप लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको अल्टर करना है फुट माउंटेड करना है तो आप उसको फुट माउंटेड लीवर डाल के भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी जो आपको किट में देती है वो हैंडल माउंटेड ब्रेक देती है। मतलब नॉर्मली जैसा आपका मोटरसाइकिल में अभी ब्रेक जो रियर का हम लोग आप कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा स्कूटर में ब्रेकिंग होता है, तो उस तरीके का हैंडल माउंटेड भी ब्रेकिंग आप कर सकते हैं या फिर फुट माउंटेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट मोटरसाइकिल हाइब्रिड कन्वर्जन किट में आता है वो आता है बैटरी। और बैटरी में अगर हम लोग देखते हैं तो जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3 टाइप का बैटरीज आज के डेट में यूज होता है, एक तो लीड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी एंड लिथियम आयन फेरस फॉस्फेट बैटरी LiFePO4। अगर ये तीनों बैटरीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग लेते हैं तो लीड एसिड बैटरी जो है तो कन्वेंशनली वो यूज किया जाता था कि जब तक नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं था, उसके चैलेंजेस भी कुछ सामने आ चुके हैं।
डेफिनेटली लीड एसिड बैटरीज इकोनॉमी होती है, लेकिन इकोनॉमी के साथ में उसका साइज जो बड़ा हो जाता है, चार्जिंग टाइम मिनिमम 8 आवर्स का उसको चाहिए, तो ओवरनाइट चार्ज करके एक ही बार दिन में हम लोग यूज कर सकते हैं। और हाइब्रिड कन्वर्जन में लीड एसिड बैटरीज यूज करना उतना फिजिबल नहीं होता है, तो उसका साइज, वेट एंड चार्जिंग टाइम, इसकी वजह से आज के डेट में वो बैटरीज पीछे हटते जा रही है। तो बहुत सारे लोगों ने लिथियम आयन बैटरीज यूज करना शुरू किया, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज में भी जो इंडिया में हमें सर्विस मिल रही है या फिर जिस क्वालिटी का, जिस स्टैंडर्ड का बैटरीज मिल रहा है, तो उसमें लाइफ ज्यादा नहीं मिल पा रही है। सेकेंड थिंग, उसका जो एक्सप्लोजन के लिए अगर प्रॉपर क्वालिटी में वो नहीं बनता है, और अगर एक्सीडेंटली पंक्चर हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, तो उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, तो क्योंकि केमिस्ट्री उसका उस टाइप का है। तो इसके लिए जो gogoeven.com ने आपको ये कन्वर्जन किट में बैटरी दी है, तो वो दी है लिथियम आयन फेरस फॉस्फेट LiFePO4। LiFePO4 का एडवांटेज ये हो जाता है कि इसका लाइफ जो है, तो जब सेल मैन्युफैक्चर होते हैं तो 3000 साइकिल के लिए बना हुआ है, लेकिन इंडिया में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, 50% भी अगर हमें सर्विस दे पाता है, तो भी 5 से 6 साल तक ये बैटरी पैक सर्विस दे पाएगा। उसके साथ में इसका थोड़ा सा साइज एंड वेट कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी बढ़ जाता है, लेकिन 3 टाइम्स इसका लाइफ बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, इसका जो केमिस्ट्री है, तो उसमें अगर सेल अगर पंक्चर हो जाता है या एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है, तो उसमें से नॉर्मल हम लोग सेल में से जैसा लिक्विड बाहर आता है वैसा बाहर आएगा, एक्सप्लोजन नहीं होता है, तो ये सेफ माना जाता है आज के डेट में बैटरी। तो ये बैटरी पैक हमने जो दिया है 72 वोल्ट 18 AH का एक बैटरी पैक हम लोग इस किट में देते हैं, तो जिसके ऊपर जो हमने प्रैक्टिकली टेस्ट किया, तो 50 to 60 किलोमीटर तक का रेंज इसमें एक मोटरसाइकिल में मिल जाता है। तो ये बैटरी का जो है, तो मैन्युफैक्चरर वारंटी भी आता है, 2 ईयर का मैन्युफैक्चरर वारंटी आते हैं। gogoeven.com इसे खुद मैन्युफैक्चर ना करके दूसरे कंपनी से सोर्स करती है, तो वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू आपको वारंटी मिल जाएगा। सेकंड थिंग, इस बैटरी के साथ में जो चार्जर हम लोग देते हैं, तो चार्जर जो दिया है 72 वोल्ट 8 एम्पियर का, तो 72 वोल्ट 8 एम्पियर के चार्जर के थ्रू अगर हम लोग 18 एम्पियर का बैटरी पैक चार्ज करते हैं, तो नॉर्मली 2 to 2.5 आवर्स में ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। मतलब चार्जिंग टाइम यहाँ पे बहुत ही कम हो गया है, 2 to 2.5 आवर्स में हम लोग इसे अगर चार्ज कर पाते हैं, तो दिन में 2 बार भी हम लोग चार्ज करके यूज कर सकते हैं। और 50 to 60 किलोमीटर का अगर रेंज हमें मिलता है 2 बार चार्ज करते हैं, तो 100-120 किलोमीटर का एक दिन में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये CC CV चार्जर दिया हुआ है, तो कॉन्स्टेंट वोल्टेज एंड कॉन्स्टेंट करंट इसमें से मिल जाता है हमें। बैटरी का जो टॉप चार्जिंग वोल्टेज है वो 87 वोल्ट तक हम लोग जा सकते हैं, और लो कट ऑफ वोल्टेज जो कंट्रोलर में दिया हुआ है वो 66 वोल्ट पे सॉफ्ट कट ऑफ होता है, 63 वोल्ट पे फंक्शनिंग पूरा स्टॉप हो जाता है। तो इस बैटरी पैक के थ्रू अगर आपको ज्यादा रेंज चाहिए, कंटिन्यूसली अगर ज्यादा रन करना है, तो 2 बैटरी पैक भी हम लोग इसमें फिट कर सकते हैं। एक हाइब्रिड का एक्स्ट्रा बैटरी पैक लेके भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये साइड में छोटा डिक्की बना के भी हम लोग उसमें फिट कर सकते हैं, कुछ लोगों ने सीट के नीचे भी इसको फिट किया हुआ है, तो वो आप अपने बाइक के मॉडल के हिसाब से और जो जगह आपको अवेलेबल है वो हिसाब से ये बैटरी पैक को फिक्स कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो किट यहाँ पे gogoeven.com ने दिया है, तो इस किट में आपको कंप्लीट कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट किट यहाँ पे अवेलेबल करके दिया हुआ है। तो ये जो कंप्लीट कन्वर्जन किट या मोटरसाइकिल के लिए जो सॉल्यूशन का यहाँ पे gogoeven.com ने आपको दिया है, तो इसमें आप एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल को हाइब्रिड कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल को फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करना है, अगर आपका रन ज्यादा नहीं है और आपको इंजन का यूज नहीं करना है, तो आप वो इंजन रिमूव करके भी फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें आप ये जो बैटरी पैक है, 1 या 2 बैटरी पैक इंजन की जगह पे भी फिट कर सकते हैं, तो फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों किट जो है, तो बहुत जल्द हम लोग CMVR अप्रूवल में भी प्रोसेस में है, तो ये बहुत जल्द अप्रूव्ड किट्स आ जाएगा, तो RTO में रजिस्टर्ड भी होगा। जैसा CNG किट आज के डेट में रजिस्टर्ड होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट भी रजिस्टर्ड होगा, तो RC बुक में भी इसका मेंशन हो जाएगा। देन आपको अगर फाइनेंशियल कोई इंस्टीट्यूट्स है, तो उनके थ्रू लोन भी ले सकते हैं। तो इसके थ्रू जो अप्रूव्ड कंपोनेंट आएगा, प्लस आपको अगर कोई मोटरसाइकिल का नया मॉडल खुद का लॉन्च करना है मार्केट में, तो उसके लिए भी अप्रूव्ड कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। तो ये किट भी अप्रूव्ड होने के बाद में आप अपने मोटरसाइकिल में यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए अगेन अप्रूवल आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये एक तो हाइब्रिड कन्वर्जन के लिए, फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के लिए, या कंप्लीट नया मोटरसाइकिल बनाने के लिए भी ये किट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके थ्रू आज के डेट में जो परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी की अगर आप जानेंगे, तो ये एक तो हाइब्रिड कन्वर्जन या फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन का मोटरसाइकिल कन्वर्जन का सेंटर हम लोग चालू कर सकते हैं, या फिर खुद का नया मॉडल अगर मैन्युफैक्चर करना है तो वो भी हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर देखेंगे तो इंडिया में मोटरसाइकिल का ज्यादा डिमांड है और मोटरसाइकिल ज्यादा यूज की जाती है, तो इलेक्ट्रिक की मोटरसाइकिल जब आएगी तो वो एक रिवोल्यूशन मार्केट में लाएगी, तो उस हिसाब से हम लोग ये मोटरसाइकिल भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं।